उधर मुझे ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं उधर जाना, मेरा जाना बनता ही नहीं था, ना मैंने जाना था। वो यही बात आपको बताता हूँ, मैं वहां पहुंचा कैसे। वो जब यहाँ पर मुल्ज़िम का आइडेंटिफाई हो गया ना कि ये मुल्ज़िम है, तो उसके बाद मतलब बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर हमारे घर के इर्द गिर्द मथे में, मतलब सैकड़ों या हजारों की तादाद में लोग गैदर हो गए। पुलिस की नफरी बहुत ज्यादा हो गई, तो DPO साहब आए, तो वो मुझे साथ ले गए भी, हमने DPO ऑफिस जाना है। मेरे दिन में था या कि शायद वहाँ DPO ऑफिस मुल्ज़िम को से मिलाएंगे या जो भी मामला, तो वहाँ पर ले गए। तो उस वक्त जो मैं 3 बज चुके थे, मैंने अभी नमाज उर्दू पढ़नी थी, तो मैंने वहाँ DPO ऑफिस में नमाज उर्दू अदा की। तो कहने लगे भी इनके लिए खाने का अरेंज करें। खैर खाना नहीं मंगाया, अभी आया नहीं खाना, तो कह रहे भी हमने लाहौर RPO ऑफिस जाना है DPO साहब, तो हमें भी लाहौर RPO ऑफिस ले गए। मैं कहा शायद तो जाके मुल्ज़िम को पता चला लाहौर ले गया, तो वहाँ उससे मुलाकात कराएंगे या उसके DNA वगैरह या रिपोर्ट को दिखाएंगे जो भी उसके अच्छा प्रूफ होंगे सर जी। तो DPO ऑफिस गया, वहाँ वो आधा 5 घंटा उन्होंने बताया बिठाया वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से फिर गाड़ियाँ निकाली जी, अब हमने CM ऑफिस जाना है। वो इस तरह मुझे CM ऑफिस लेके गए हैं। अगर अरे बराह रास्त कहते तो मुमकिन था कि मैं कहता ही मैं मैं जाऊँ। उधर CM ऑफिस नहीं जाऊँगा, उनका खुद आना बनता, मेरे पास आना बनता है। बाकी वहाँ जो भी सूरत हाल हुई है वो आपके सामने है, कि वहाँ मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया। तो अगर मैं नहीं बोला, नहीं मौका दिया, लेकिन उनके अपने अमल से ही पूरी दुनिया को पता चल गया कि वो क्या उनके इरादे हैं या जो भी उनका। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखे बहुत धोखा, धोखे से ले गए ना, जी, धोखे से देखे ले गए, उनको सामने पता आई नहीं बात था। के धोखे से ले गए, जी हाँ, धोखे से ये ले गए, बहुत उन्हें बड़ा नहीं धोखा पता दिया था। गया इनको। जी हाँ, बहुत शुक्रिया अमीन अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, हिम्मत दे, हौसला दे, और सबसे बड़ी दुआ कि अल्लाह ताला आपको इंसाफ दे।